डिप्लोमाधारियों के लिए है तो सरकार उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त लोगों को नियुक्ति में आवेदन करने की छूट कैसे दे रही है? डिप्लोमा की परीक्षा को, जब डिप्लोमा एजुकेशन को क्वालिफाई किए हैं वो उस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं। 2019 में एक संशोधन लेके आया गया जिसमें उन्होंने एक प्रावधान को ऐड किया और उसको ऐसे ऐड किया जो कि बहुत ज़्यादा वेग रह गया। उन्होंने कह दिया कि उच्च तकनीकी शिक्षा भी आवेदन के पात्र होंगे और उच्च तकनीकी शिक्षा को कहीं भी किसी भी तरीका से क्लैरिफाई नहीं किया गया। 2021 में एक और संशोधन आया जो कि बाकी संशोधनों की तरह था कि 10वीं और 12वीं इसमें, क्योंकि डिप्लोमा स्तर है तो इसमें सिर्फ 10वीं ही जोड़ा गया है और 10वीं जो है आपको रांची व झारखंड के किसी भी विद्यालय से ही, झारखंड स्थित विद्यालय से ही पास करने होंगे। हालांकि 2019 वाले अमेंडमेंट को हमने चैलेंज किया है यह कहते हुए कि यह जो है जो उच्च तकनीकी शिक्षा है वो बहुत ही वेग है और वो क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा है और अभी जो रिसेंट एडवर्टीजमेंट्स निकले हैं उसमें बीटेक वालों को भी जगह दे दी गई जो कि डिप्लोमा क्वालिफाइड नहीं है। अब डिप्लोमा जो उच्च तकनीकी शिक्षा की बात जहां तक की गई है वह दो तरीके से प्राप्त की जा सकती है। एक, आप डिप्लोमा करके, डिप्लोमा 3 साल करके बीटेक के लिए लैटरल एंट्री ले सकते हैं और दूसरा कि आप 12th पास करें और उसके बाद बीटेक करें। लेकिन ये जब डिप्लोमा स्तर परीक्षा की बात हो रही है तो डिप्लोमा करना मैंडेटरी हो जाता है, वो अति आवश्यक हो जाता है कि आप डिप्लोमा पास करें उसके बाद आप बीटेक करें। हालांकि जो अभी रिसेंट एडवर्टीजमेंट्स निकाला गया है उसमें बीटेक विदाउट डिप्लोमा वालों को भी जगह दे दी गई है। इसी को हमने चैलेंज किया है यह कहते हुए कि जब डिप्लोमा स्तर की परीक्षा हो रही है तो सिर्फ डिप्लोमा सर्टिफिकेट होल्डर वाले ही उस परीक्षा के पात्र हो सकते हैं और